धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन पे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी बात इस बात से शुरुआत करूंगा मैम ये प्रोफेशनली मैनेज डी एफ आई वॉज नेसेसरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग दिस कंट्री Though it was not a new concept, institutions like IDBI, ICCI were also set up as DFIs, but as time passed, they changed their operations and became commercial banks. I will thank uh, and appreciate the Honourable Minister for bringing this bill, as it was the, the need of the hour. The kind of funds we need for the big infra projects, the step of National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill is the perfect step towards, towards this. Ma'am? अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत से आज देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अलग अलग लेवल पे चलते हैं हमेशा एक देखने को मिला कि चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो चाहे मॉर्थ के द्वारा फंडिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं और हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात की भी एक प्रॉब्लम आती है कि कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एक कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और कंसेशनर एन एक, एक, एक एजेंसी बनती पर बैंक उस चेन का हिस्सा कभी बन नहीं पाता ऐसे में कई लिटिगेशन आते हैं कई के प्रोजेक्ट्स बहुत बहुत लंबे समय तक रुक जाते हैं और ऐसे के अंदर एक मॉडल की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे इन तीनों की चेन बने और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का काम करे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है लंडन से पेरिस की जो टनल बनी थी और ये जो रेलवे ट्रैक बना उसकी जो फंडिंग का पैटर्न है वो फंडिंग का पैटर्न इट वॉज इलेवन पॉइंट एट बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था वो और उस प्रोजेक्ट की फंडिंग का पैटर्न 99 इयर्स का था जिसमें चेंज ऑफ बैंक साथ जुड़ी एंड दे दे बिकेम बिकेम काइंड ऑफ रिले पार्ट ऑफ बनाऊंगा कि 15 15 इयर्स इयर्स फॉर दिस बैंक बैंक एंड अनदर विल बी टेकिंग फॉरवर्ड दैट लोन थिंग सो दैट मॉडल वाज रिक्वायर्ड एंड इट वॉज ऑलवेज नीडेड फॉर दिस इन द कंट्री दैट वी नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सिस्टम इन दिस कंट्री विच कैन हेल्प अस और इसकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट को बार बार इंडस्ट्री मिस कर रही थी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय का जिन्होंने एक ऐसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप चले हैं और ये इस कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस का टोटली चेंज करने का, का काम करेगा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स कं कंट्री के अंदर रहे हैं जो हमेशा एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के कारण वो अवेबल नहीं हो पाते डी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ही काम नहीं है एक सोशल डेवलपमेंट और एक एक इंक्लूसिव ग्रोथ को भी देख के चलेंगे हम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मैम आज इरिगेशन एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कंट्री के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन नाइनटीन में जब आई आज कंट्री के अंदर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अध्यक्ष महोदय मुझे आपका आशीर्वाद चाहिएगा मुझे पता है और आपका कमिटमेंट भी है मेरा यही कहना है इरीगेशन के जैसे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं सर आज की तारीख में भी हम आज देख रहे हैं कंट्री के अंदर फ्लड इरीगेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है

पूरा हरियाणा जितना लंबा नहीं उतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी चोरू है अगर आज एट्टी परसेंट लैंड सिर्फ रेन फेड इरीगेशन पर काम करती है खेती करती है अगर ऐसे के अंदर ऐसे ये डी एफ आई जब आएंगी तो एक अपर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कहीं हमारे कॉन्स्टिटुएंसी को मिलेगा और एक, एक, एक अलग रिवॉल्यूशन आने की बात चलेगी ये इतना ही नहीं डी एफ आई की कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक प्रॉफिट कमाना ही नहीं है डी एफ आईज एक सोशल एक कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं प्रॉफिट प्रोफिटेबिलिटी भी हो और डेवलपमेंट भी एक एजेंडा होना चाहिए और इन्हीं इसी खास बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस की आगे भी देखेंगे तो सोशल गोल्स को भी हम कैसे अचीव कर पाएंगे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज की तारीख में हम सोच नहीं सकते आज मैं रेलवे सेक्टर की बात करूं राजस्थान की बात करेंगे सर तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे लास्ट फिफ्टीन ईयर्स के अंदर कुछ कमर्शियल रूट्स uh, को छोड़कर एक भी नई रेल लाइन बिछाने का काम नहीं किया गया क्योंकि रेलवे लाइन आप जब बिछाने की बात करोगे तो आपको फंडिंग चाहिए यूज और जब हम आर, आर, सर्वे लाइन्स करते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने महत्वपूर्ण रेलवे लाइन्स हैं जो आज तक उनको एक ड्रीम ही रह गए हैं वो लोग नोखा से सीकर है सरदार शहर से रथ हनुमानगढ़ जो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो 20 साल से इसकी पेंडिंग से चलती आ रही है राजगढ़ से तारानगर तारानगर से हम गत की बात करते हैं बेर से भादरा की बात करते हैं जब भी रेलवेज के बात की जाती है रेलवेज ने सर्वे करवाए करोड़ों रुपए खर्च हो गए बट द मोमेंट जब पैसा खर्च हो जाता है तब तो उसकी जब आर निकल के आती है तो नेगेटिव आती है बिकॉज वो हमारा जिस्ट्रेशन पीरियड इतना छोटा है कि इसको अगर हम लॉन्ग टर्म फंडिंग की हेल्प नहीं मिल पाएगी तो शायद वैबिलिटी नहीं आओ और जो सोशल आस्पेक्ट है डी का वो कहीं ना कहीं अगर हम रेल कनेक्टिविटी हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी ना देखी जाए पर आज गांव गांव गाँग तक तहसील लेवल तक हम अगर आप रेलवे लाइन नहीं ले जा पाए सत्तर साल की आजादी के बाद में तो एक ऐसे मॉडल की रिक्वायरमेंट जरूर थी जो फंडिंग को प्रोवाइड करती है और डीएफआई उस एस्पेक्ट को भी पूरा करने का काम करेगा मैं उम्मीद करता हूं कि इन, इन, इस डी एफ आई के माध्यम से जो सरकार ने एक बेहतरीन स्टेप लिया है आज पूरी इंडस्ट्री जानती है आज बैंक की जो एपिटाइट है वो दस से बारह साल दो हजार चौदह के बाद में फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद में एक, एक सिस्टम चला कि आप बीस से पच्चीस साल तक ही फंडिंग कर सकते हो पर दे अगेन देन फाइव ईयर्स और सेवन ईयर्स के बाद में वो रीफाइनेंसिंग का मॉडल करना पड़ता है ऐसा कोई भी मॉडल कंट्री में जिंदा

मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सरसा से लेकर नौहर तारानगर सावा चोरू का एक नेशनल हाईवे आज से तीन साल पहले उसकी डीपीआर पार बनकर तैयार हो गई पर वैबिलिटी के साथ गैप होगा हो सकता है फंडिंग का मॉडल ना हो तो मैं उ, 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 वो आज उसके कारण रुका हुआ है पर जब ये डी आएंगी तो ऐसे अनेकों जो मैंने मेरी कॉन्स्टिट्युएसी की बातें बताई हैं हो सकता है स्टेट्स में कंट्री में ऐसे अनोको प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको वैसा मॉडल चाहिए था मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अध्यक्ष मोहद आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये डी आने वाले हिंदुस्तान के नीच तस्वीर बनाने का काम करेंगी बहुत बहुत धन्यवाद मान्य मंत्री